वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ निधि। सो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, मतलब 3 साल से छोटे बच्चे हैं, या फिर आप सून टू बी पेरेंट्स हैं, छोटा बच्चा आपके घर में आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जब छोटा बच्चा घर में होता है ना, जब वो नई नई चीज़ें सीखता है, हर महीने उसकी स्टेजेस बदलती है, क्रॉलिंग करता है और सुपर एक्टिव होते हैं बच्चे, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ खेलना, कूदना, जंप करना, क्रॉल करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, सीखते हैं, तो और ज़्यादा करना चाहते हैं। ऐसे में एज अ मदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बच्चों को पूरे टाइम आप उनके साथ एंगेज कर पाओ, ये बड़ा ही टफ टास्क हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि बच्चों के लिए बहुत फंक्शनल हो, मल्टीपर्पज़ हो और उनके लिए वो बहुत ही सेफ भी हो, साथ में इंगेजिंग भी हो, और ऐसा ना हो कि बस मतलब हमने इन्फेंट के लिए लिया तो बस वो कुछ टाइम यूज़ किया और उसके बाद वो वेस्ट हो जाए प्रोडक्ट, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट हो कि स्टेप बाय स्टेप बच्चा जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो प्रोडक्ट भी उस बच्चे के लिए काम करे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऐसे ही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाई हूँ जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसका नाम है प्ले पेन फ्रॉम द ब्रांड लव लैप। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और मैं सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट होगा आपके लिए। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। सो गाइज, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप ये कितना बड़ा और कितना स्पेशियस एक ये प्ले पेन है, और इसके अंदर आपको इस तरीके का यहाँ पर मैश मिलता है, ये देखिए जाली रहती है, तो इसमें बच्चे जब बैठते हैं तो उनको सी थ्रू होता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक उनका कमरा जैसा है, ऊपर से सब कुछ ओपन रहता है, कुछ भी कवर नहीं है, तो बच्चों को एकदम सफोकेशन या ऐसा डर सा नहीं लगेगा, उनको ओपन है, साइड से भी सब कुछ दिखता रहता है, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से इसमें इंजॉय करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका पर्सनल स्पेस हो गया है। अगर बच्चा इन्फेंट है, छोटा एकदम, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको एक नैपर मिलता है जिससे इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और उसमें आप बच्चों को सुला सकते हैं। तो ये इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, और 3 साल तक के बच्चे या फिर 25 kg तक का ये वेट ले सकता है, तो बड़े बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टेंट वगैरह यूज़ करते हो, आप इसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मल्टीपर्पज़ ये पर्पज़ आपका फिल करेगा। ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ सर्टिफाइड एज पर द EN स्टैंडर्ड्स, एंड इसके साथ में आपको यहाँ पर ये देख सकते हो आप डिटैचेबल कैनोपी भी मिलती है जिसके अंदर सॉफ्ट टॉयज़ लगे हुए हैं, 3 सॉफ्ट टॉयज़ इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों को इसके अंदर डालते हैं, लाइक 6 मंथ तक के बच्चे हैं या 1 ईयर के अंदर के जो भी बच्चे हैं, तो अगर आप उनको इसमें डालते हैं तो जब वो क्रॉलिंग करना सीखते हैं, जंप करना सीखते हैं, तो वो इसमें आराम से इतनी स्पेस होती है कि वो ईजिली वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं, प्लस उनको ये टॉयज़ दिखते रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से इंगेज होते हैं, इनको पकड़ने की छूने की कोशिश करते हैं, तो वो जो एक्टिविटी होती है उनकी इन्हेंस हो जाती है। उसके अलावा ये डिटैचेबल है, तो जैसे आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप इसे रिमूव कर सकते हो ताकि ये और अच्छे से ओपन एरिया मिल जाए बड़े बच्चों को खेलने के हिसाब से। तो ये इस तरीके से 2-वे में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अगर बिल्टअप की मैं बात करूँ, तो ये पूरा जो भी रॉड्स आप देख रहे हैं इसमें, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा ये मेटल रॉड है, स्टेनलेस स्टील का रॉड है, तो ये ख़राब भी नहीं होगा और स्टर्डी बना रहेगा, तो इसकी स्टर्डीनेस भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर आपको एक मैट्रेस मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जिससे कि बच्चों को डिस्कम्फर्ट ना हो और उसमें खेलते टाइम उनको अच्छा लगे, जंप वगैरह भी करते हैं, तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, स्टर्डी है काफ़ी, हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसके अलावा इसके नीचे आपको व्हील्स मिल जाती है, 2 व्हील्स मिलती हैं, 4 इसके लेग्स हैं बट 2 व्हील्स आपको मिलती है, तो आप इसको एक कमरे से दूसरे कमरे में या जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर इसको लेकर के जा सकते हैं उन व्हील्स की हेल्प से, और काफ़ी स्पेशियस है, तो आराम से बच्चों के खूब सारे टॉयज़ आप रख दीजिए और बच्चे इसमें आराम से खेलते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक साइड से जिप मिलती है जिसको कि आप अगर खोल देते हैं तो बच्चा आराम से खुद ही इसमें इन और आउट हो जाता है। जैसे आपका बच्चा अगर 1-1.5 साल का है तो वो आराम से इसमें, मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया बट फिर भी मैं उसको अगर ये खोल देती हूँ तो आराम से उसमें इन आउट होता रहता है, तो बच्चों को थोड़ा मज़ा आता है खेलने में, वो उसको अपना घर बना करके खेलता है कि इसका घर है, इसमें वो टॉयज़ वगैरह रखता है, तो वो काफ़ी इंजॉय करता है। तो यहाँ ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ बना देता है। तो मैंने टेंट हाउस नहीं खरीदा था, तो टेंट हाउस का पर्पस जो है वो मैं इससे पूरा कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पर जो जिप है वो बाहर से खुली हुई है, तो इनकेस अगर बच्चा
बच्चा सो रहा है, आप उसको ऐसा लॉक करना चाहते हो कि वो मतलब आप नहीं अवेलेबल हो या आप नहीं देख रहे हो तो वो निकले नहीं, तो उसके लिए जिप जो है वो बाहर से दी हुई है, तो बच्चे सेल्फ इसको मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको अगर अलाउ करोगे तभी वो निकलेगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है। एंड उसके अलावा ऊपर इसमें जैसे बच्चा सो रहा है या आप ओपन में आपने रखा आपके यहाँ मॉस्किटोज की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में एक मॉस्किटो नेट भी मिलती है जो पूरा इसको कवर कर देती है और बहुत ही ईजिली लग जाती है, इलास्टिक उसमें लगी हुई है जिसकी वजह से आप आराम से उसको लगा सकते हैं। तो बच्चों को कोई भी इंसेक्ट या फिर मच्छर काटना, बारिश वगैरह में स्पेशली इंसेक्ट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपके बच्चा जो है वो पूरा सेफ रहता है, आराम से वो उसमें खेलता रहेगा, अगर सोना है तो वो सो भी सकता है, एंड अगेन इसमें हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो अगेन जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप कर सकते हो। और ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बिकॉज ये जितना बड़ा साइज़ आपको दिख रहा है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा हो जाता है एकदम, इतना मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है और ऐसे ये पतला सा हो जाता है, और इसको आराम से पैक करके आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। तो असेंबल करना और जैसे अम्ब्रेला होता है ना, बस वैसे ही इसको आप क्लोज कर सकते हो और बंद ओपन कर सकते हो, मुझे काफ़ी इजी लगा इसको ओपन करना। और यहाँ पर एक इसमें बटन भी दिया हुआ है, चारों साइड्स में एक इस तरीके का बटन दिया हुआ है जिसको कि आप प्रेस करोगे तो ये जब आप ओपन करोगे तो पूरा एकदम अच्छे से स्टर्डी वे में सेट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन भी इजी है और इसको पैक करके कैरी करना भी इजी है, और टॉयज़ वगैरह भी इसके साथ मिलता है, मॉस्किटो नेट मिलता है, मैट्रेस मिलता है, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, लवलैप पे की अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना। और अगर आप मतलब आपके पास छोटा बच्चा है तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप चाहो तो झूला वगैरह ना लेकर के, टेंट वगैरह ना लेकर के डायरेक्टली ये ले लो, ये मतलब सम वे ये तीन चार प्रोडक्ट या तीन चार चीज़ों का काम आपका एक ये प्रोडक्ट प्ले पेन जो है वो कर देगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, आप एक बार चेकआउट कीजिए, इसमें काफ़ी मॉडल्स और कलर्स भी हैं, तो आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपने यूज़ किया तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।